भाइयों, आज हमारे आसपास लगे सीसीटीवी और मोबाइल कैमरा फोन की बदौलत हजारों मील दूर बैठे लोग भी यहाँ की घटनाएं इंटरनेट के जरिए आसानी से देख सकते हैं। कई बार कुछ ऐसी घटनाएं कैद हो जाती है जो हमारे होश तक उड़ा देती है। वही कुछ घटनाएं हमें हंसी के ठहाके लगवा देती है। कैमरे में कैद ऐसी घटनाएं दिखाकर आपका दिन बनाने के लिए हम फिर से एक बार लेकर आए हैं रैंडम मोमेंट्स पार्ट 2। लेकिन उससे पहले आप हमारे इस चैनल फैक्ट जिनी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। दोस्तों, यहाँ इन लोगों के बीच में कंपटीशन चल रहा था। लोगों की भीड़ देख इस भाई के अंदर सोया हुआ पुष्पराज जाग उठा और उसने कुछ ऐसी हरकत की जिसे देखकर आपका दिमाग चक्कर खा जाएगा। कुर्सी से उठकर ये भाई ने नीचे थूक दिया और फिर क्या था, स्वैग में चलकर कुछ ज्यादा ही तेज होने लगा। लेकिन तभी उसका पैर फिसला और फिर अरे पता नहीं जी कौन सा नशा करते हैं, भरी भीड़ में खुद का पोपट बना लेते हैं। साथियों, कुदरती आपदा के कारण सरकार से लेकर आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब इस क्लिप को ही देख लीजिए जिसमें बाढ़ के पानी में कई गाड़ियां डूबी हुई हैं। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि ये महिला अपनी कार में फंसी पड़ी थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसे देख आप दंग रह जाएंगे। मौका मिलते ही ये अपनी कार की विंडो से बाहर निकलने की कोशिश करती है, अपना सामान लेकर गाड़ी के ऊपर भी जाती है, जिसके बाद उनकी गाड़ी धीरे धीरे पानी में चली जाती है। आखिर में उनकी गाड़ी पूरी तरह से पानी के अंदर जाती है। बदकिस्मती से इनको तैरना नहीं आता था, लेकिन फिर कुछ रेस्क्यूअर्स की नजर इन पर पड़ जाती है और वह अपने कंधों पर बैठा कर इन्हें किनारे ले जाते हैं। दोस्तों, जान बची तो लाखों पाए और भविष्य में ऐसी गाड़ियां हजारों खरीद लाए। साथियों, कुत्ते बड़े शरारती होते हैं और कई बार तो गाड़ी के टायर की तरह इंसानों पर सूसू कर देते हैं। लेकिन अभी हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं उसे देख आप हंस हंस के पागल हो जाएंगे। यहाँ पर ये भाई साहब कुत्तों के लिए खाना लेकर आए थे और उन्होंने खाना नीचे रख के कुत्तों को खाने के लिए बुलाया। पहले तो कुत्ता वहाँ पर आकर खाने को सूंघने लगा, फिर पता नहीं उसका दिमाग घूम गया कि उसने खाने पर सूसू कर डाली और वहाँ से गायब हो गया। दोस्तों, गर्मियों में डियो लगाए बिना ही लोगों के शरीर से खुशबूदार महक आने लगती है। लेकिन पसीने की दुर्गंध के बारे में सोचकर उल्टी करने से पहले इस वीडियो को देखो जिसमें यह लड़की एक कॉन्सर्ट में कई घंटों से अपने हाथ हवा में हिलाकर डांस कर रही थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसे देख आपको आज रात का खाना हजम नहीं हो पाएगा। नाचते हुए मोहतरमा अचानक से अपनी बगल को सूंघ लेती है और अपने शरीर की बदबू से बेचारी के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। क्यों जी, कैसी लगी, आ गया स्वाद? दोस्तों, पिछले साल आईपीएल मैच के दौरान अचानक से मैच रोकने पड़े थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्ट्रीट डॉग अचानक से ग्राउंड में चला आता है। वो खिलाड़ियों के साथ ऐसा व्यवहार करता है कि मानो वह मालिक हो। कुत्ता काफी देर तक खिलाड़ियों के साथ बीच मैदान में खेलता रहता है और सभी खिलाड़ी उससे मजा करने लगते हैं। हालांकि 3-4 सिक्योरिटी गार्ड उसको मिलकर पकड़ने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो कुत्ता अपने ही मजे में चूर अपने ग्राउंड पर इधर उधर दौड़ता रहता है और अचानक भीड़ में गायब भी हो जाता है। समंदर में तैरने वाला हर जानवर ईश्वर से यही दुआ करता है कि वो व्हेल का शिकार ना हो जाए। लेकिन यहाँ इस छोटे से पेंगुइन की किस्मत खराब ही थी और वो एक किलर व्हेल के नजर में आ गया, जिसके बाद व्हेल पेंगुइन के शिकार के लिए उसके पीछे पड़ गई। लेकिन इस नन्हे मुन्ने पेंगुइन में काफी चतुराई थी, जिस वजह से उसने व्हेल को अपने पीछे तो काफी दौड़ाया और मौका मिलते ही वहाँ से गुजरती बोट में चढ़ गया। जान बची तो देखो ये छोटू कैसे हवा कर रहा है। दोस्तों, कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिन्हें देख हमारा दिमाग चकरा जाता है। हाल ही में एक चौंका देने वाली क्लिप वायरल हुई है जिसमें एक अजीबोगरीब चीज बैठी हुई दिखती है। अब ये जानवर है या फिर इंसान, इस बात का कोई खुलासा तो नहीं हो पाया, लेकिन कुछ लोगों ने अजीबोगरीब जानवर कहा तो कुछ ने एलियन का नाम दे दिया। जो भी हो, दिखने में काफी डरावना है। आपको यह क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, हम लोग तो जानते ही हैं कि योगा हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है, लेकिन ये बात आजकल पक्षी भी समझ रहे हैं। हम मजाक नहीं कर रहे। देखिए कैसे नीलकंठ पक्षी रस्सी पर सूख रहे कपड़ों पर उल्टा लटकते हुए मजे से योगा करके स्टाइल मार रहा था कि तभी इसका दोस्त वहाँ आ जाता है और उसे परेशान करने लगता है। काफी देर तक उसकी नटखट हरकतें सहने के बाद आखिरकार हमारा योगा टीचर परेशान हो जाता है और योगा को बीच में छोड़कर अपने दोस्त को मारने लगता है। वाकई में इन दोनों को अपनी लाइफ मजे से एंजॉय करते हुए देख हमारी हंसी तो रुकने का नाम नहीं ले रही। अब इस मजेदार निशानेबाजी को देखिए जिसमें ड्रोन से फुटबॉल ग्राउंड का वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। तभी प्लेयर सामने से भागते हुए आता है और फुटबॉल को हवा में मार के ड्रोन पर ही निशाना लगा देता है और ड्रोन क्रैश हो जाता है।
यहाँ पर तो ऑडियंस में बैठा चप्पड़ गंजू टॉयलेट पेपर से ड्रोन को निशाना लगाता है और फिर ड्रोन वहीं पर धराशायी हो जाता है। सच में दोस्तों, पता नहीं ऐसी उल्टी कोपड़ी वाले लोगों के दिमाग में इतने अतरंगी आइडियाज कहाँ से आते हैं। कुछ लोगों की किस्मत इतनी खराब होती है कि कई बार अचानक से उनका लाखों का नुकसान हो जाता है और वह देखते रह जाते हैं। अब इस क्लिप को देख लीजिए जिसमें महाशय अपनी नई नवेली सुपर कार लेकर उसमें पेट्रोल भरने स्टेशन आए थे। शुरुआत में तो सब सही चल रहा था और महाशय ने टंकी फुल करने का प्लान बना रखा था, लेकिन कुछ देर बाद ऐसी घटना हो जाती है जिसे देख आपकी भी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। अच्छी बात तो ये थी कि अपनी गाड़ी को जलते हुए देख ये महाशय वहाँ से दुम दबाकर भागने से पहले पेट्रोल पाइप को अपनी जगह लगाते हैं, वरना यहाँ पर बड़ा धमाका होना तो तय था। हाल ही में इंटरनेट पर ये क्लिप काफी ज्यादा वायरल हुई जिसे देख आप भी पागल होने लगेंगे। वीडियो में दिख रहे मॉन्क साधु थाईलैंड के रहने वाले हैं और इनकी उम्र कुछ 80-90 साल नहीं बल्कि 109 साल है। हालांकि अभी इनका शरीर काफी कमजोर तो हुआ है, लेकिन 109 साल तक जीना अपने आप में ही एक कमाल की बात है। अब दिल्ली एयरपोर्ट की इस घटना को देखिए जहां हमें एयर इंडिया की एक महिला पैसेंजर से झगड़ा करते हुए दिखती है। दरअसल वीडियो रिकॉर्ड करने वाले शख्स का कहना था कि उसे सुबह 5 बजे से लेकर एम्प्लॉई इधर उधर भेजते जाते हैं, लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं होता, इसलिए वो मैनेजर को बुलाने के लिए कहता है। लेकिन एयर इंडिया की महिला उसकी बातों को बिल्कुल ध्यान नहीं देती। कड़ा कदम उठाते हुए उसने वीडियो को बनाना शुरू कर दिया। आप भी सुन लीजिए इनके साथ क्या हुआ है। चंडीगढ़ में 5 बजे का जगा हुआ हूँ मैं, वहाँ से यहाँ तक काउंटर पे घूम रहा हूँ केवल। आप बुलाओ ना मैनेजर को, मैं कहाँ कह रहा हूँ, आप बुलाओ मैनेजर, आपके यहाँ बुला दो, आप बुलाओ ना, फिर मैं वेट कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। दोस्तों, फोन के आने के बाद आजकल लोग हमेशा उनमें ही खोए रहते हैं और अगर वो रील में एक गाना सुन ले तो उसे गुनगुनाते अपनी धुन में नाचते चले जाते हैं। ये महिला फोन पर नाचते हुए रूम से बाहर निकलती है और पास में रखे गमले से टकरा जाती है, फिर इसके पैरों की वाट लग जाती है। अरे मैडम, जूते पौधों पर मारने से क्या होगा, फेंकना ही है तो अपना मोबाइल फेंक दो, मुसीबत को जड़ से ही मिटा दो। वैसे दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, कमेंट करके सच सच बताना। कुछ लोग इतने मजाकिया होते हैं कि हर पल दूसरों को परेशान करते रहते हैं, उन्हीं लोगों की लिस्ट में इसका भी नाम शामिल है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये लेडी शॉप पर कस्टमर के प्रोडक्ट का बिल बना रही थी तभी ये चप्पड़ गंजू कुछ ऐसी हरकत करता है जिसे देख आपको लड़की पर तरस आ जाएगा। ये बंदा उसके पैर पर ऐसी लात मारता है जिससे वो नीचे ही गिर जाती है, फिर उसे उठाकर उस पर थोड़े उपकार भी करता है। लेकिन भाई, मत पूनो अच्छाई का नकाब, क्योंकि कैमरा देखने पर ये महिला बना देगी तुम्हारा कबाब। खैर दोस्तों, आपने भी कभी अपने दोस्तों पर ऐसा मजाक किया हो तो कमेंट में जरूर बता देना। और दोस्तों, आप कैमरे में कैद ऐसे ही मोमेंट्स देखना चाहते हैं तो कमेंट करके वीडियो को लाइक टारगेट जल्दी से पूरा करवा दीजिए। इस वीडियो को लाइक टारगेट है केवल मात्र 100 लाइक्स, तो उम्मीद है आप इसे कुछ ही दिनों में पूरा करवा देंगे।